हेलो स्टूडेंट, आज हम डी मॉर्गन थ्योरम जो हमारा यूनिट 2 है उसमें आता है, तो ये थ्योरम हम आज स्टडी करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम। ये जो जीटीयू की एग्ज़ाम होती है हमारी 70 मार्क्स की, तो उसमें भी आता है क्वेश्चंस। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में होता है और 3 मार्क्स में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम आज ये टॉपिक कवर करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम। तो उसमें 2 थ्योरम है। तो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है, इक्वेशन है हमारे पास ए प्लस बी उसका बार और ए बार इंटू बी बार। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस लिखना है इसके हिसाब से, तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं थ्योरम 1 का। तो थ्योरम 1 का सेंटेंस होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गई हमारी थियरम 1। थियरम 1 जो हमारी थी उसका ये इक्वेशन है, और यहाँ पे हमने इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस लिखा है। आप पहले सेंटेंस भी लिख सकते हो और बाद में इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो ये है हमारी थियरम। तो ये फर्स्ट थियरम है जो हमारे पास, डी मॉर्गन थ्योरम, ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब बार यहाँ पे है, डी मॉर्गन हम यूज़ कर रहे हैं थ्योरम, तो जहाँ पे बार अप्लाई होता है वहाँ पे, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और जहाँ पे इंटू होता है दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ पे प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया है, तो ए बार और प्लस था हमारा तो वो इंटू हो गया और यहाँ पे हो गया बी बार। अब हमारी सेकेंड जो थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम है वो है ए इंटू बी इसका होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो जैसे हम सेंटेंस आगे लिखा था वैसे हम उसमें लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड थियरम। ये था हमारा फर्स्ट थियरम और ये हो गया सेकेंड थियरम। तो अगर आप सेंटेंस लिखते हो और बाद में थ्योरम लिखते हो यहाँ पे, तो वो भी चलेगा। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे थ्योरम लिख के भी सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमारे पास 2 थ्योरम जो हमारे पास थी वो है, पहली है यहाँ पे ए प्लस बी उसका होल बार, और सेकेंड थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी वो है ए इंटू बी होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उसकी लॉजिक सर्किट ड्रॉ करनी है। तो लॉजिक सर्किट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पे है ए प्लस बी का होल बार, तो ये आप सबको पता है कि ए प्लस बी का होल बार दैट मीन्स वो कौन सा हो गया, नॉर गेट हो गया। तो ये ए प्लस बी और उसका होल बार, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया इक्वल टू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू है तो इंटू के लिए हम एंड गेट यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ गया ए बी, और इन्वर्टर के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे नॉट गेट, तो यहाँ पे आ गया बी बार। उसका जो ये आउटपुट है हम डालेंगे उसको एंड गेट में, तो यहाँ पे आपको मिल गया आउटपुट ए इंटू बी का बार। और इक्वल टू आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे बबल गेट है हमारा, तो बबल गेट का मीनिंग भी सेम ही होता है जो हम यहाँ पे इन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा ए बार इंटू बी बार। तो यहाँ पे इक्वल टू किया है, तो आप ये फिगर कंपलसरी ड्रॉ करनी है, और इस दोनों में से आप अगर एक को एक ड्रॉ करोगे तो चलेगा। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड हमारी जो थियरम है उसकी फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ए इंटू बी उसका बार, तो आप सबको पता है कि ए इंटू बी जो हमारा गेट है वो गेट है नैंड गेट।
तो यहाँ पे आ गया ए बी और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है ए इंटू बी का बार। और अब हमें ये फिगर ड्रॉ करनी है तो सेम यहाँ पे बार है तो हम इन्वर्टर यूज करेंगे ए और बी के लिए। तो ये हमारा ए इनपुट, ये बी, और प्लस है बीच में तो हम यूज करेंगे प्लस के लिए और गेट। तो यहाँ पे आ गया ए बार प्लस बी बार इक्वल टू सेम यहाँ पे जैसे हमने बबल गेट यूज किया है तो यहाँ पे हम हाँ और गेट में बबल गेट लगा के ऐसे ए बार प्लस बी बार यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये उसकी लॉजिक सर्किट हुई। ये अभी हमने क्या पढ़ा, ये थ्योरम वन है हमारी, ये थ्योरम टू है और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या उसकी लॉजिक सर्किट क्रिएट की। और अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो नेक्स्ट करेंगे हम उसका ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में क्या करना है, ट्रूथ टेबल में हमारे पास दो इनपुट है ए और बी। तो दो इनपुट है उसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास फोर पॉसिबिलिटी होगी जो आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी क्या होगी, तो ए हमारे पास है, हमको चाहिए जो भी टर्म में हमें थ्योरम मिला है उस टर्म में हमें टर्म चाहिए। तो हम यहाँ पे हमको इजी रहे इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी तो है तो हम यहाँ पे ए बार बी बार लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए इंटू बी, ए इंटू बी का बार, फिर लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी का बार, फिर लिखेंगे हम ए बार प्लस बी बार और ए बार इंटू बी बार। तो इसके हिसाब से हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा टेबल बनाने में आसानी रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ए यहाँ पे 0011 है तो ए बार यहाँ पे क्या आ जाएगा 1100, बी बार यहाँ पे है 1010 जो बी है उसका यहाँ पे ऑपोज हो जाएगा। अब यहाँ पे ए इंटू बी है तो ए इंटू बी दैट मीन्स ये टर्म हमको लेनी है, ये जो आपको बेट दिखाई दे रही वो, तो ए इंटू बी दैट मीन्स 0, 0 इंटू 1 दैट मीन्स 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब a इंटू बी का होल बार है तो a इंटू बी हमारे पास है, हमें क्या करना है उसका इन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें उसका इन्वर्ट मिल गया। उसी तरीके से हमें a प्लस बी करना है तो 0 प्लस 0 हमारे पास होगा 0, 1, 1 प्लस 0 होगा 1 और 1 प्लस 1 होगा 1। तो a प्लस बी बार यहाँ पे क्या आएगा, ये a प्लस बी हमारे पास है तो a प्लस बी क्या आएगा, उसका इन्वर्ट आएगा तो 1000। अब हमारे पास ए बार और बी बार है तो ए बार प्लस बी बार क्या आएगा, तो 1 प्लस 1 आएगा 1, 1 प्लस 0 आएगा 1, 0 प्लस 1 आएगा 1 और 0 प्लस 0 आएगा 0। उसी तरीके से ए बार इंटू बी बार क्या आएगा, तो 1 इंटू 1 आएगा 1, 1 इंटू 0 आएगा 0, 0 इंटू 1 आएगा 0 और 0 इंटू 0 आएगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो थ्योरम थी वो यहाँ पे प्रूव हो रही है। तो हमारे पास कौन सी थ्योरम थी, तो एक थ्योरम थी a प्लस बी का बार a बार इंटू बी बार, और सेकंड थ्योरम हमारे पास थी a इंटू बी का होल बार a बार प्लस बी बार। तो a प्लस बी का बार हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखो ये 1000 तो इक्वल टू ये होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे ये पहली थ्योरम हमारी है वो यहाँ पे प्रूव हो रही है और ये सेकंड थ्योरम जो है वो भी प्रूव होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a इंटू बी का बार, उसका आंसर आएगा a बार प्लस बी बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थ्योरम भी हमारी प्रूव हो रही है, सेकेंड वाली जो हमारे पास थियरम थी वो। तो यहाँ पे हम डी मॉर्गन थियरम टैट्रू टेबल में प्रूव कर रहे हैं। तो ये था आपका डी मॉर्गन थियरम का टॉपिक। थैंक यू।